बड़ी बड़ी बातें करते थे बीजेपी के लोग, 15% जीडीपी, अब -15% हो गया। 1,00,000 करोड़ का आपने टारगेट लगाया था अप्रैल में टैक्सेस का, कितने है आपके पास? 25,000 करोड़ भी नहीं है। इस सरकार के पास क्या पॉलिसी है? आज आप कह रहे हैं कि ट्रेन को चला देंगे, आज आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे। अजीब बात है कि शराब की दुकानें खोल दी आपने, जब सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं आया किसी को। 9 बजे शराब की दुकान खुलना और 6 बजे लोग खड़े हुए हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, हजारों की तादाद में लोग एक दूसरे से चिपके हुए हैं। क्या शराब खरीदना है? वाह, ये गांधी का मुल्क है ना, ये नानक का मुल्क है, ये अंबेडकर का मुल्क है, और लॉकडाउन में शराब की दुकान और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। क्यों नहीं रेवेन्यू आता? मैं वजीर आजम से कहना चाह रहा हूं, वजीर आजम, शराब की दुकान खोलने से अगर आमदनी हो सकती है तो आप नोट छापिए ना, रिजर्व बैंक के पास रिजर्व है, फॉरन रिजर्व है, नोट छापिए, आप स्टेट्स की मदद करिए। मैं वजीर आजम से पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं आप तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की इन तजावीज को क्यों नहीं कबूल कर रहे? आप FRBM एक्ट की लिमिट्स को 3% से 5% क्यों नहीं बढ़ा रहे? आप वेज एंड मींस एडवांस 100% क्यों नहीं कर रहे? आप PM केयर्स को आपने CSR में ला लिया, CM रिलीफ फंड को भी लाइए। वजीर आजम सिर्फ सुनते हैं, 4-5 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है और कह दिया क्या इकोनॉमी रिवाइव करें। कैसे इकोनॉमी रिवाइव होगी? कहां से इकोनॉमी रिवाइव होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल होगा उस स्टेट्स को हेल्प करने के लिए? आप कह रहे हैं कि नहीं, अब तो कोविड से साथ रहना है। फिर इतने दिन हमने जो लॉकडाउन किया, क्या हासिल किया बताइए? क्या सरकार ने किया? कोई जवाब नहीं है इनका इसके पास है।